अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? आज हम अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पहले तीन क्वेश्चंस देखे थे, अब जो देख रहे हैं क्वेश्चन 1.4। क्या है 1.4? थ्री स्टूडेंट्स मेयर द लेंथ ऑफ अ नीडल। बच्चे एक नीडल है, उसकी लेंथ मेयर करनी है, और कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? तीन। ठीक है सर। विद अ स्केल, एक स्केल के साथ, ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और उस स्केल के ऊपर कम से कम जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम जो रीडिंग मेजर कर सकता है वो कितनी कर सकता है? 1 मिलीमीटर। इससे कम वो रीडिंग मेजर नहीं कर सकता। और यही उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, लीस्ट काउंट है या उसकी अनसर्टेनिटी है, जितना वो व्यक्ति कर सकता है इतनी ही वो कर सकता है। और ये लीस्ट काउंट बच्चे किसका है? मीटर रॉड का है। मीटर रॉड के अंदर छोटी जो दो लाइंस के दरमियान कम से कम फासला होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो बच्चे मिली को हमने लिख लिया 10^-3, और 10^-3 नीचे आया तो 1000 बन गया, और 1 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.001 मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि तीन स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट की है, ये एक ने ये 0.2145 मीटर मेजर किया, एक ने 0.21 मीटर किया, और एक ने 0.214 मीटर किया। क्या कह रहा है वो कि विच रिकॉर्ड इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो बच्चे याद रखिएगा, वो आंसर करेक्ट होगा जिसके डेसिमल के राइट साइड पे जो डिजिट्स होंगे वो लीस्ट काउंट के डेसिमल के राइट साइड के डिजिट्स के बराबर होंगे। तो हमारे जो डेसिमल है इसके राइट साइड पे लीस्ट काउंट के अंदर कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। तो जो हमारा ये तीन स्टेटमेंट्स हैं इनके अंदर डेसिमल से राइट साइड पे किस में तीन नंबर है? इस स्टेटमेंट में 1, 2, 3। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्लियर? सो हमारे पास क्या होगा, एज लीस्ट काउंट अप टू 3 डेसिमल, हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 3 डेसिमल तक है। सो जो मेजरमेंट हमने ली है 3 डेसिमल तक वो करेक्ट है। ये तो हमें इसका जवाब मिल गया। लेकिन अगले ही उसने लम्हे ये पूछ लिया, व्हाई, क्यों ऐसा क्यों है भाई? तो बच्चे देखिए, बिकॉज इट हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बच्चे परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? हमने लास्ट पढ़ा था लेक्चर्स में, अगर लीस्ट काउंट को मेजर वैल्यू से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो हमारे पास क्या आ जाती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। और हमने ये भी कहा था कि वो मेजरमेंट्स जिनके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, वो ज्यादा मेजरमेंट्स अच्छी होती हैं। तो आप अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, ये लीस्ट काउंट 0.001 मीटर यहां पे लिखें, और जो मेजर्ड वैल्यू है 0.214 ये नीचे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो सबसे कम आएगी। मतलब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी ज्यादा आएगी। सबसे कम जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, मतलब इस लीस्ट काउंट को जब इस मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होती है मेजरमेंट उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है, सही होती है। हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये बात पढ़ी थी। इज इट क्लियर? सो इस लीस्ट का अगर लीस्ट काउंट को इस नंबर से आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, लेकिन ज्यादा होगी। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने मुझे कहा, बिकॉज इट हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इस मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कम आती है, जिसकी वजह से ये आंसर सही है। क्लियर? जी सर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट, एक बूढ़ा आदमी एक स्टेटमेंट कहता है, एक बात कहता है, क्या कहता है भाई वो? इट चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट वीकेस्ट लिंक। वो कह रहा है एक चेन उस वक्त ज्यादा मजबूत होगी, एज कब? इट्स वीकेस्ट लिंक, जब उसका कमजोर वाला लिंक क्या होगा, कमजोर वाला जो लिंक होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा।
व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट, आप इससे कोई मिलता जुलता बयान दें, कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, वो क्या, एक बूढ़ा आदमी एक स्टेटमेंट देता है कि एक चेन उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग होगी जब उसका वीकेस्ट लिंक, जो कमजोर लिंक है वो स्ट्रांग होगा, तो वो चेन और स्ट्रांग होगी। आप इससे कोई मिलता जुलता बयान दें जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटेशन कर रहे हो। सो मुझे देखिए, इसको समझिएगा, ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे मुहावरे यूज हो रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, मेरी बिल्ली मुझे म्याओ, बहुत सारे मुहावरे। तो ये भी एक मुहावरा है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। वो ये प्रोवर्ब है कि अगर आपके पास बच्चे एक चेन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे ये एक, ये हो गए चेन, ये हो गए, ये उसका लिंक हो गया, ये भी उसका लिंक हो गया, एक लिंक ये आ गए। अब बच्चे अगला फिर मजबूत है, अगला फिर मजबूत है, अगला फिर मजबूत है। अब ये पूरी चेन के अंदर ये वाला जो लिंक है ये कमजोर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए बच्चे, देखिए वो ये कह रहा है कि इस चेन की मजबूती इस कमजोर लिंक पे डिपेंड कर रही है। अगर ये कमजोर ही मजबूत हुआ, अगर ये जो कमजोर नजर आ रहा है ये ही मजबूत है, तो ये चेन और ज्यादा मजबूत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर जो सबसे लोएस्ट क्लास 4 है, मैं उससे पूछता हूं कि भाई आपको जो पे मिलती है, आप क्या कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? वो कहते हैं हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उस कमजोर आदमी की इतनी अच्छी पोजीशन है, वो इतना अच्छा है, तो ये पूरा इदारा कितना स्ट्रांग होगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सबसे लोएस्ट पर्सन है, जो क्लास 4 लोग हैं, उनसे बंदा पूछे कि क्या आप जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी जो है इतनी है कि आपको उससे गुजारा हो जाता है, तो अगर वो लोग ये कहते हैं कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं, तो अगर वो कमजोर लोग इतने खुश हैं, तो फिर बच्चे आप इदारे के बारे में सोचिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, वो कितना स्ट्रांग होगा। अगर एक इदारा है NARC, उसके अंदर आप काम करने वाले जो सबसे कमजोर आदमी है उससे पूछिए, जो स्केल 1 कह 2 कह, भी आप क्या अपनी इस इदारे से खुश हैं, तो कहता है हाँ मैं खुश हूं, तो मतलब NARC एक स्ट्रांग इदारा है, एक मजबूत इदारा है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अगर एक ओल्ड मैन ही कहते हैं कि अगर एक चेन के अंदर कमजोर लिंक जो है वो ही मजबूत है, तो वो पूरा चेन कितना मजबूत होगा, आप ये सोचिए। ठीक, वो कहते हैं इसी तरह आप भी कोई मिलता जुलता बयान दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कम से कम जो हम छोटी रीडिंग, बिल्कुल छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं जिनसे मिलकर हम एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं, अगर वो छोटी रीडिंग्स ही अकूरेट हुई, तो हमारा फाइनल आंसर कितना अकूरेट होगा। हमने कहा मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज एज अकूरेट एज लीस्ट अकूरेट रीडिंग्स। हम कह रहे हैं कि हमारी मेजरमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेजरमेंट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, अगर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर छोटी सी छोटी रीडिंग जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हुई। तो बात तो वही है, अगर ये कमजोर लिंक स्ट्रांग है तो इसका मतलब है पूरा चेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कमजोर की ये हालत है तो स्ट्रांग की क्या हालत होगी, वो तो और भी स्ट्रांग होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो असल रीडिंग है वो स्ट्रांग उस वक्त और ज्यादा होगी, जो हमारा फाइनल आंसर है वो और ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, जब क्या होगा, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो छोटी सी छोटी रीडिंग्स है वो ज्यादा स्ट्रांग हुई। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर बहुत सारी मेजरमेंट्स हमने ली और उनका फाइनल किया, उनका फाइनल आंसर लिया, तो अगर छोटी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट हुई तो वो बड़े वाला जो फाइनल आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इज इट क्लियर बच्चे, होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.6, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। आपने एक स्टॉप वॉच से क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम मेजर करना है। ठीक है,
ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के अंदर देखिए यहाँ पे एक फिक्स पोर्ट होती है, उसके साथ एक धागा हम पर थ्रेड अटैच करते हैं, उसके साथ एक बॉल अटैच करते हैं। अगर इसको मैं यहां से यहां ले गया और यहां भी छोड़ा तो यहां से इधर आएगा इस जगह पे, फिर वहां जाएगा, यहां से यूं आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर, तो ये कुछ वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो एक वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि सिंपल, ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक थ्रेड को एक फिक्स हुक के साथ एक एंड अटैच कर देते हैं और दूसरे एंड के साथ हम कोई मैस अटैच कर लेते हैं। सो वो कह रहा है कि आपने पीरियड मेजर किया है एक पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम के साथ, सिंपल पेंडुलम का स्टॉप वॉच के साथ, तो वहां पे कौन से एरर पॉसिबल है। तो मुझे तीन तरह के वहां पे एरर पॉसिबल है। नंबर वन पर्सनल एरर, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो ना तजर्बाकार हो सकता है, वो लापरवाह हो सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। एक तो इस वजह से भी वहां गलती हो सकती है, दूसरा निग्लिजेंस उसकी लापरवाही की वजह से। काम तो वो इधर कर रहा है लेकिन दिमाग उसका कहीं और है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट काम कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको मैंने स्टॉप वॉच दी है कि मुझे ये लीजिए और मैं इस बाप को यहाँ से छोड़ूंगा, ये इधर जाएगा और फिर वापस इधर आएगा, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। उसका जो टाइम पीरियड है आपने स्टॉप वॉच पे कैलकुलेट करना है, लेकिन उसका ध्यान है कि छुट्टी कब होगी और मैं घर जाऊँगा। तो अब क्या होगा कि वो उसकी निग्लिजेंस है, लापरवाही है, और इस निग्लिजेंस की वजह से जो गलती होती है उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो एक तो टाइम पीरियड मेजर करते वक्त पर्सनल एरर हो सकता है, दूसरा रैंडम एरर। बच्चे रैंडम एरर कौन सा होगा, रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड गिव डिफरेंट वैल्यूज। मतलब एक दफा मैंने उस बाप को यहां से छोड़ा, वो इधर गया, फिर इधर वापस आया, तो हमने कुछ टाइम मेजर किया, फिर यही काम दोबारा किया तो आंसर वो नहीं आया जो पहले आया था, हमने तीसरी दफा ये काम किया फिर आंसर चेंज आ गया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया उस बाप को यहाँ से छोड़ा वो इधर गया और फिर वापस आया, तो हमने स्टॉप वॉच पे टाइम देखा तो वो फिर चेंज था। तो मतलब कंडीशंस तो सेम थी लेकिन आंसर क्या आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे, टाइम पीरियड डिफरेंट आ रहा था, बाप भी वही था, लेंथ भी वही थी, स्टॉप वॉच भी वही थी, लेकिन सेम कंडीशंस के अंदर आंसर डिफरेंट आ रहे थे। इस एरर को क्या बोलते हैं बच्चे, रैंडम एरर। ठीक है, रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड के डिफरेंट वैल्यूज, वो जो बार बार रिपीट होने के बाद आंसर आ रहे थे वो डिफरेंट आ रहे थे। सिस्टमेटिक एरर, जो तीसरा जो एरर मौजूद होता है, हो सकता है कि जो आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉल्टी हो, उसके अंदर ही एरर मौजूद हो, मतलब उसके अंदर जो एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर। ठीक है, सो उस स्टॉप वॉच जो है वो फॉल्टी भी हो सकती है और दूसरा उसके अंदर जीरो एरर मौजूद होता है, कम से कम चांसेस ऑफ एरर्स मौजूद होते हैं, जिसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। उस स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड होता है। तो मुझे एक सिस्टमेटिक, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की अपनी वजह से भी क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। तो होपफुली मुझे ये तीन क्वेश्चन अगेन आज आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक आके हम एक्सरसाइज को खत्म करेंगे।